नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई घोड़ाबंदा निवासी राम सोरेन ने आरोप लगाया है कि संबंधित लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी व अवैध ढंग से रह रहे हैं। भूमि वापसी वाद संघ के 2016-17 के तहत उन्होंने मुकदमा दायर कर जमीन वापसी की मांग की है। राम सोरेन की शिकायत के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71A बिहार अनुक्षेत्र विनी 1969 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई संबंधी नोटिस जारी की गई है। यहां 34 से अधिक लोगों को भूमि सुधार उप समाहर्ता दालभूम के न्यायालय जमशेदपुर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में एक मंदिर का नाम भी शामिल हो। इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद सभी को अपना पक्ष गुरुवार को रखने के लिए संबंधित कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। जारी नोटिस में कहा गया कि सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की जा चुकी है, परंतु संबंधित लोग न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। यदि 26 सितंबर को अपना पक्ष खुद या अधिवक्ता के माध्यम से नहीं रखकर कारण पूछताछ नहीं देते हैं तो अभिलेख में प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न राजस्व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता दालभूम के न्यायालय में गुरुवार को 17 घर मालिकों ने अपनी उपस्थिति वकील के माध्यम से दर्ज कराते हुए पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोटिस धारक परिवार के मनोज गुप्ता ने बताया कि 1964 से भी पहले से लोग घोड़ाबांधा की जमीन पर बसे हुए हैं। इस जमीन पर राम सोरेन परिवार ने 2015 में पहली बार नोटिस कराया और मुकदमा दायर कर जमीन खाली करने को कहा। इसे लेकर एक बार वहां विवाद भी हो चुका है। इसके बाद भूमि वापसी का केस दायर कर दिया। अब जब उनके परिवार के लोग मंत्री बन गए हैं तो जमीन को खाली करने के नोटिस भिजवा रहे हैं। ये है सदगुरु कि हमारा कहने का ये है कि मतलब हमारे नाना जी जो है ना भैया जो है लिए थे आपका जमीन, वो लिए थे चंद्रिका प्रसाद 77। उसके बाद जो है ना भैया 79 का राइट में जो है उसी घर में जो है ना हमारे मामा का जो है मौत हुआ है पीएमपी द्वारा। उसके बाद हम लोग जो है फिर भी वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग को ये नहीं था मालूम कि ये सीएनटी एक्ट में आता है। हम लोग को बस इतना मालूम था कि ये चंद्रिका प्रसाद का जमीन है, वही जो है ना भैया यहाँ का कितना घर होगा, मतलब घर जो है मोटा मोटी 54 घर है। क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम। 1964 में भी लोग वहाँ रहे हैं। कहाँ गए चाचा? 1964 में वो रहे हैं, जब राइट हुई थी 1964 में वहाँ पे झोपड़ी में थे। आज वहाँ 2 मंजिला मकान बना। कुल कितना घर हो गए? 48 घर को नोटिस करवाए हैं। क्या थाना पड़ता है? टेलको थाना। जगह का नाम क्या? जगह का नाम खड़ंगा यार्ड, और उसमें कार्तिक नगर आता है। खड़ंगा यार्ड का 4 बेटा, राधिका नगर, कार्तिक नगर, बारी नगर, ज्योति नगर है ना। आज भी बारी नगर में लाखों हजारों जमीन बिक रहा है, महतो का जमीन है, सीएनटी एक्ट में जमीन है, बेचने वाला तो इसी का खानदान का लोग है। द्वारा नोटिस भेजा गया? एसडीओ अनुमंडल के द्वारा भेजा गया है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज गुप्ता हुआ। मैं प्रेमशीला देवी, हमारी माँ हुई, उनका उस जमीन में है, मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। नाली बनाया गया वहाँ पे सरकार के द्वारा, पीसीसी रोड बनाया गया वहाँ सरकार के द्वारा, पेयजल पाइप बिछाया गया वहाँ सरकार के द्वारा, बिजली का खंभा बिछाया गया। तब रामदास सोरेन जी एक बार भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किए? घर जब बनती थी तो उनके खानदान के लोग आकर घर बनाते थे कि मेरे ही आदमी का लोग घर बनाएगा। उसके बाद आज जब विधायक आप बने नोटिस करवा दिए, और मंत्री बने तो फिर नोटिस करवा दिए, परसों दिन नोटिस आ गया। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग माने बिहारी लोग क्या करें, क्यों वोट दें? वोट देकर विधायक और सांसद बनाए, पूरी झारखंड तो आदिवासियों का है, फिर वोट बिहारियों का क्यों?